जयपुर से खबर है, नई सरकार का एक्शन प्लान बनेगा। ब्यूरोक्रेसी की आज बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आज शाम 5 बजे बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक होगी। नई सरकार की वर्किंग योजनाओं और कार्यक्रमों का रोडमैप बनेगा। पीएम मोदी और केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्लानिंग होगी तय। सीएस, सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते आए हैं बीजेपी के नेता, और अब जब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है तो फिर कोशिश यही है कि केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में हर एक पात्र व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, कल जिस तरह से बोर्ड आयोगों और निगमों को और उनके सदस्यों को की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, अब आज बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, एक्शन प्लान किस तरह से बनेगा? देखिए, बैठक में मुख्य तौर पर जो भाजपा का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को किस तरह से क्रियान्वित किया जाए और ब्यूरोक्रेसी उसमें किस तरह से उसका एक्शन प्लान बनाकर लागू करे, यह भी संभव है कि 100 दिन का एक्शन प्लान बनाकर और उसे लागू करने की बात की जाए। यहाँ पर मुख्य मुद्दे जो है महिला सुरक्षा को लेकर, दूसरा जो अवैध मांस की बिक्री और इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी बात हो सकती है यहाँ पर, और जो एजेंडा है जिस तरह का भाजपा का, जिस एजेंडे के दम पर जीत कराई है तो उसको प्रमुखता से रखते हुए यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा, और ब्यूरोक्रेसी के साथ और उसका पूरा सहयोग लेकर और एक विश्वास जगाने की ब्यूरोक्रेसी में कोशिश की जाएगी। एसआईटी का गठन किया जा चुका है जो नकल के लिए, नकल और माफ कीजिएगा, जो पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए। दूसरा एक बड़ा जो एसआईटी का गठन हुआ है वो गैंगस्टर और गैंगवार की जो घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए, तो किसी भी तरह के अपराध की रोकथाम के का प्रमुख इसमें एजेंडा है और उसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह एक और खास एजेंडा है पेट्रोल डीजल के वेट में कमी, या उनकी तुलना, उसके वेट की तुलना अन्य राज्यों से जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे करके और उस हिसाब से कमी लाने का प्रयास करना, तो उसके लिए कमेटी गठित जैसी बातें भी हो सकती है कमेटी गठन के। और ये जो तमाम एजेंडे हैं इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, हो सकता है कि सरकार कहे आम जनता के सामने कि 100 दिन की कार्य योजना बनाकर और आम जनता के सामने लाए कि हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं और 100 दिन की कार्य योजना में ये तमाम काम पूरे हों, तो इस रूप में भी भजनलाल सरकार सामने आ सकती है और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से वो काम किया जाएगा और उन योजनाओं को मूर्त रूप किस रूप में दिया जाएगा। एक और खास बात यह है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना यह एक बड़ा टास्क है, और उस टास्क में विकसित भारत की जो यात्रा निकल रही है वह भी एक प्रमुख भूमिका के रूप में यहाँ पर सामने आएगी, और इसीलिए उसमें भी ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करेगी यह इस पर भी चर्चा की जाएगी। जो पूरे मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसको आम जनता तक, धरातल तक किस तरह से पहुंचाया जाए, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए मॉनिटरिंग भी एक टीम बनाई जा सकती है, मॉनिटरिंग का कमेटी जैसी बातें भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऋतुराज जी, और इस एक्शन प्लान पर निर्भर करेगा कि सरकार 5 साल में किन किन मुद्दों को प्रमुखता से रख रही है सामने, और इसी पर सभी का फोकस। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।